अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सिमरान हैदर। धमाका टीवी की तरफ से आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिर्ज़ा तालिब। इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि इन्हें किसी किस्म की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप इनसे खुद ही पूछ लें। जी मिर्ज़ा तालिब साहब, वाईफाई अच्छा तरीका है किसी को बुलाकर बेइज्जती करने का, बहुत अच्छा तरीका है। मुझे जब मैं आने लगा था कई शायरों ने रोका, भाई ऐसा नहीं होता, शायर नहीं जाते टीवी पे। आपने बुलाया, आपका प्यार था, आपका और मेरा, हम मिलके पढ़ते रहे थे, तब भी मैं आपको शायरी सुनाता था, तब तुम मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम आप भी मजाक ही उड़ा रहे हो। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हम आपका मजाक नहीं उड़ाते थे, हम आपको बताते थे कि इस किस्म की शायरी नहीं करते। शायरी में अदब होता है, प्यार होता है, मिठास होती है। आप ये कैसी शायरी हुई? मेरी शायरी में क्या गालियां थी? गाली दी थी मुझे दी थी। मैं शोर छोड़कर चला जाऊंगा। गजब बेइज्जती है। बैठे वो आप, मैं बता रहा था कि थोड़ी सी मिठास होनी चाहिए। बाकी आपकी, आपका अंदाज अपनी जगह बहुत प्यारा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपके बारे में ये भी सुना हुआ है कि आपने मिर्ज़ा गालिब साहिब से पर्सनली लिया होगा अंदर से शायरी का। मुझे नहीं पता था कि शायरी का दर्स भी होता है, आपने बता दिया, शुक्रिया। मैंने सुना हुआ है आप कहते थे कि वो एक अच्छे मजे हुए अदाकार थे मिर्ज़ा गालिब साहब। और आपने उससे शायरी का दर्स लिया? मिर्ज़ा गालिब साहब अदाकार थे, ये भी आपसे पता चला? नहीं, आपके बारे में मशहूर है ये चीजें, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस हवाले से। देखो भाई, मेहमान को बुलाते हो टीवी पे, उसका तरीका होता है। नहीं, अभी आप शो करने के बाद हम आपको अच्छे वाली पठान से 25 रुपए की चाय पिलाएंगे। मैं चाय पिलाने की बात कर ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं किसी को शो पे बुलाते हो उसका एक तरीका होता है, या तो उसका नाम पता पहले पूछ लो उसको, फिर बता दो लोगों को, या फिर इस तरह करो कि उससे उसका नाम और पता पूछ लो। आपने दोनों नहीं किए, आप किस तरह के एंकर हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने आपका ना काफी, यानी कि काफी डिटेल से पूरे एक आदमी के हमारे पास क्रू है, पूछा था लोगों से, किसी को आपका पता ही नहीं है। ये तो बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला है कि मिर्ज़ा तालिब भी आपको कहते हैं। नाम मिर्ज़ा तालिब है और जमीन पर रहता हूं। ये तो आपने ना मेरी नॉलेज में काफी इजाफा किया कि आप जमीन पर रहते हैं। आप जमीन में रहते हैं ना, आप आसमान पर रहते हैं? नहीं, आप ही बता रहे थे ना। जमीन पर रहता हूँ, उस जगह का नाम जमीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, इलाके का नाम? उस जगह का नाम जमीन। ठीक है, जमीन पर रहता हूँ, छोटा सा घर है, 3-4 मरले का या 3-4 एकड़ का, या मुझे बोल ले दो या खुद बोल लो। ठीक, अब तरह के करो यार, आप बताए प्लीज। जमीन पे घर है? जी, छोटा सा घर है। आपका जहां घर है वो जमीन है? नहीं, आसमान है। ठीक है, आप बताएं। जमीन पे घर है,
खैबर पख्तूनख्वा में वो इलाका है जमीन, वहां रहता हूँ। और जो बाकी है खाना पीना होता है वहां पे, और शायरी में बड़ा नाम रखता हूँ। मिर्जा गालिब ने मुझे हाथ जोड़कर कहा था कि अपनी शायरी मुझे भी सुनाया करो। उनके जमाने का शायर हूँ तो बहुत अच्छी शायरी करता हूँ, यहाँ आके जलील हो रहा। नहीं आप माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी करते हैं, मैंने सुनी हुई है आपकी शायरी। लेकिन आप देखें ना, आपके खैबर पख्तूनख्वा से और आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, ये इस पे खून लगता है, इसको उर्दू को सीखने पे इस पर खून लगता है शायर का। और अभी आप अगर इजाजत दें तो कुछ शेर अर्ज कर। नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद में अगर थोड़ा सा ना इंटरव्यू पूरा हो जाए ताकि हम बीच में ना छोड़े। बाद में आपकी शायरी का ना जोर सुनेंगे। अभी हमें आप अपने बारे में बताएं, आप पश्चिम में भी शायरी करते हैं? आप जिस जबान में करवाना चाहेंगे शायरी करो। आप मतलब कि ना और ढूंढ रहे शायरी में, शायरी शाहिद अफरीदी शायरी में। मैं वैसे भी जिंदगी के तमाम शोबों में काम कर लेता हूँ, लेकिन शायरी में फन जो है ना वो ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। और शायरी किस उम्र से करनी शुरू की आपने? मैं तकरीबन 2 साल का था तब से मैं कुछ इस तरह की शायरी करता हूँ कि लोगों के अंदर जो जज्बा है ना, यानी कि नए अलामा इकबाल नए दौर के, वो इस तरह बढ़ जाता है कि वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? दुश्मनों से। चले बाकी सब छोड़ें, जिस काम के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है कि आप हमें अपनी थोड़ी सी शायरी सुना दें, कुछ अच्छे शेर आपके मजे में जो कैमरे पर भी बताए जा सके। देखिए जी, हम पहले तारुफ करवाएगा अपनी शायरी का, पहले हमने अपना तारुफ करवाया, अब अपनी शायरी का तारुफ करवाएगा, उसके बाद हम शेर सुनाएंगे। जी जी, हम ये असूल है ठीक। हम आपके असूल की कदर करते हैं, वैसे बनता नहीं है कदर करना आपके असूलों की। लेकिन करते हैं मजबूरी, अभी आप हमारे मेहमान। और आपको पता है पठान जो होता है ना वो असूलों का बड़ा पक्का होता है। मैं बताना चाहता हूँ 2050 की बात है। आहा, 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 आहा,